समझ में नहीं आ रहा नेत्री की साक्षी तक पहुंचेंगे कैसे। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे ये साक्षी भी अजीब है, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। शलाका जी, मुझे लगता है कि उन लोगों ने साक्षी पर भी काला जादू कर दिया है। मतलब? मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने साक्षी के आसपास भ्रम पैदा कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक एक ताबीज की मदद से उसे संबोहन में बांध लिया है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं शलाका जी, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नेत्री, मुझे याद आया, साक्षी के गले पे एक चेन जरूर है जो उसके वो उस चाचा चाची ने दी थी। हो सकता है ननित्री कि उस चेन के जरिए उन्होंने साक्षी को अपने कब्जे में कर लिया है। आपका शक बिल्कुल सही है शलाका जी, मुझे भी इस चाचा चाची की नियत पे शक है। जो भी हो, हमें उस चेन के मायाजाल से साक्षी को आजाद करना ही होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें उस चेन को तोड़ना होगा और साक्षी को उस घर से निकालना होगा, क्योंकि उस घर में शैतानी ताकतों का प्रभाव है। और उस शैतानी ताकत के साए में वो चेन टूटेगी भी नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। पर हम साक्षी को उस घर से निकालेंगे कैसे? लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। क्या हुआ साक्षी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? नहीं साक्षी, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पता है कि नहीं? अरे तुम्हारा भगवान कहाँ गया जिसे तुम हर वक्त याद करते हो? वो नहीं आया तुम्हें बचाने? क्यों बेचारे, इतने सारे आंसुओं के बाद भी वो नहीं पिघला? हाँ तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, कितना रोते हो तुम, कितने बेवकूफ होते हो तुम। मुझे तो लगता है कि ब्रह्मांड का महासागर जो है वो तुम जैसे बेवकूफों के आंसुओं की बदौलत ही भरा पड़ा है। नहीं साक्षी, ऐसे मत, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती साक्षी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं इससे भी बदतर नहीं, नहीं, नहीं। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह पागल हो जाएगा। पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। रुको मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू पागल नहीं। प्लीज अपना जेल के लड़के ला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ बात करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, बच्चे को संभालो। हम लोगों को इससे बहुत डर लग रहा है। संभालो अपने आप को।
मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? प्लीज, मैं अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं कर सकती, कैसी बातें करते हो तुम लोग? प्लीज साक्षी, तुम मेरा यकीन नहीं करते। देखो साक्षी, हम जो भी करेंगे तुम्हारी और घर की भलाई के लिए करेंगे। नदेश, मैं जानती हूँ तुम भी इन्हीं में से एक हो। मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हो ना? लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी तरह मैं भी अपना नाटक चालू रखूंगी। साक्षी, अगर तुम्हारी हरकतें हमारे बच्चे और घर वालों के लिए खतरनाक हो सकती हैं तो शायद तुम्हारे इन लोगों से दूर रहना ही ठीक रहेगा। नहीं नतीश, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, मैं तुमसे आज छोड़ती हूँ। अच्छी, तुम्हें नहीं लगता तुमने जो कुछ भी किया गलत किया? मैंने कुछ नहीं किया नतीश, मेरे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज नतीश, एक बार मुझे को मेरे पास दे दो। प्लीज नतीश, प्लीज। जिनके की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर इसलिए भेज रहे हैं। डॉक्टर से ले जाइए। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए। साक्षी, तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर करोगे? मुझे मेरे बच्चे से अलग करोगे? समझते क्या हो अपने आप को? समझते क्या हो? साक्षी, छोड़ दो भाभी को। मुझे मेरे बच्चे से अलग करोगे? मुझे अलग करोगे? साक्षी, कैसे कर सकते हो? लेकर चलिए। मेरे बच्चे से दूर रहना तुम। दूर रहो मेरे बच्चे से। साहब, क्या हुआ? साहब, मैं कंप्लेन लिखवाने आई हूँ नितेश और उसके परिवार वालों के खिलाफ। क्या? नितेश और उसके परिवार के खिलाफ आप कंप्लेन लिखवाना चाहती हो? इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेस टाइकॉन के खिलाफ? आप होश में तो हो? जी साहब, मैं अपने होश में हूँ। लेकिन साहब, चाहे वो लोग दुनिया की नजर में बड़े और इज्जतदार लोग हों, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। साहब, आप क्या कहना चाहती है? साफ साफ कहिए। साहब, उन्होंने मेरी बेटी साक्षी को कहीं छुपा दिया है और मुझे मिलने भी नहीं देते। और साहब, मुझे तो शक है कि वो लोग मेरी भी जान के पीछे पड़े हुए हैं।
साथ, आप मेरे साथ उसके घर चलिए सर। अगर आप चलेंगे तो मैं, वो लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक पाएंगे सर। ठीक है, मैं आपके साथ वहां चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिविल ड्रेस में। आइए बेटी। चलिए सर, जल्दी चलिए। चलो फिर से एक बार अच्छाई से बुराई को छुटकारा मिला, मुक्ति मिल गई। अच्छा हुआ साक्षी अब हमारे बीच में। क्या बात है, साक्षी के चले जाने से तुम बहुत खुश हो? क्यों ना हो, सबसे पहले तो उसने मुझसे मेरा पति छीना, उसके बाद हमारा रहस्य जानने की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। लेकिन मोहिनी, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, हमें उसकी अब भी जरूरत है। वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हमारी जिंदगी से दूर गई। लगता है तुम उसे बहुत मिस कर रहे हो नितेश। मोहिनी, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमने साक्षी को घर से क्यों निकाला है। उसकी हमारे हर काम में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कयामत के दिन उसका होना बेहद जरूरी है। मुझे माफ कर दो नितेश, मैं अपनी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई थी। मोहिनी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। बस जिस तरह से तुमने खुद को संभाला है, कुछ और दिन संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते में तुझे मैं पूरी तरह से पागल बना दूंगा। क्यामत के रोज तुम घर के किसी कोने में पड़ी रोती रहो। मैं इंस्पेक्टर देशमुख। नमस्कार, कहिए किसे मिलना है आपको? हमें साक्षी से मिलना है। साक्षी? जी हाँ। कौन साक्षी? नहीं सर, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूं? साहब, मैं सच कह रही हूँ। सब आप इस घर की तलाशी लीजिए ना। लेकिन तलाशी क्यों? माँ क्या बात? देखो ना साकेत, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं इनके यहाँ कोई साक्षी करके लड़की रह रही थी, जिसे हमने अपने घर में छुपा के रखा है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत बोल रही है। ये मेरी बेटी को नहीं, अपनी बहू को छुपा के रखी है। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी साक्षी को नहीं जानते, और ये छोटे लोग हम जैसे बड़े लोगों पर इल्जाम लगाकर अक्सर उन्हें फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी लीजिए इनकी। मैं अपनी बेटी साक्षी का कमरा अच्छे तरीके से जानती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए तलाशी लीजिए। हमें कोई एतराज नहीं है, आइए। हाँ, चिंता मत करो। आई एम सॉरी साकेत, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड, आइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही कमरा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, यही साक्षी का कमरा है। यहाँ पर उसका बिस्तर। हाँ बिस्तर, यही थी, यहाँ काम मारी थी, यहाँ तलाश थी। तुम लोगों ने सब कुछ बता दिया। कैसे बता दिया?
किया। गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसा गुमराह कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब साक्षी नाम की कोई लड़की यहाँ रहती नहीं, जिसे हम जानते नहीं, तो उसका कमरा यहाँ कैसे मिल सकता है? उसके कपड़े यहाँ कैसे मिल सकते हैं? झूठ बोल रही है शैतान। आप जरा शांत रहेंगे प्लीज। देखिए मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप इन जैसे लोगों की बातों में आ गए। आई एम सॉरी मिस्टर साकेत, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। मैं चलता हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप कुछ पीना चाहेंगे? मैं छोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। आइए आप, आइए। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। आइए। साक्षी का पता चला? नहीं चला कजी। लेकिन आप तो पुलिस को लेके उसे तलाश नहीं गए थे, क्या घर के अंदर तलाशी नहीं लेने दिया? हमने पूरी घर की तलाशी ली, लेकिन साक्षी का कहीं कुछ पता नहीं चला। जब उसके घर वालों से पूछा तो वो बिल्कुल अजनबी बन गए, कहने लगे वो किसी साक्षी को जानते तक नहीं। उसे जानते तक नहीं? नेत्री, उन्होंने साक्षी की जान तो नहीं ले ली? नहीं शलाका जी, वो अभी साक्षी की जान नहीं ले सकते। बच्चे को अपने जैसा बनाने के लिए आखिरी तंत्र वृद्धि में उन्हें साक्षी के खून की जरूरत होगी। वो साक्षी को तब मारेंगे। तो फिर साक्षी इस वक्त है कहां? कुछ समझ में नहीं आ रहा है शलाका जी, पता नहीं बेचारी कहां होगी, किस हाल में होगी। नितेश की मां, शलाका जी नितेश की मां, उसे दबोचना होगा। लेकिन क्या वो अकेली घर से निकलती है? हाँ नेत्री, सिर्फ वही है जो जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मार्केट जाती है। ठीक है, अब वही हमें साक्षी का पता बताएगी, नितेश की मां। कैसी हो साक्षी? क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा तुमसे आकर मिल लूं। सो आ गई। तुम मेरी खैरियत जानने नहीं, मेरा बुरा हाल देखने आई हो? ऐसा नहीं कहते साक्षी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूलो मत, अब हम रिश्तेदार हैं, याद है ना? नहीं याद है? मैं तुम्हें याद दिलाती हूं, तुम्हारा बच्चा अब मैं ही तो उसे संभालती हूं। मैं क्या करूं, मैं अजिंक्या को अपने साथ लाने वाली थी यहां पर, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता उसके लिए माहौल ठीक हो या नहीं, हो सकता है कि उसे देखकर तुम्हारा पागलपन और बढ़ जाए, तुम बेकाबू हो जाओ, इसलिए मैं अकेली आ गई। ठीक किया ना? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पागल नहीं हूं, ये सब तुम्हारी साजिश थी मुझे मेरे बच्चे से दूर करने के लिए। ना ना, ये तुम क्या कह रही हो साक्षी, ऐसी बातें नहीं करते। अरे तुम हमें गलत समझ रही हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलवाती हूँ, उनका नाम है डॉक्टर मिश्रा, वही तय करेंगे कि तुम पागल हो या नहीं। साक्षी, मैं तुम्हें अपने आप को बेकसूर साबित करने का एक और मौका देती हूं, ताकि तुम मुझसे ये ना कह सको कि मैं इस बार भी कोई साजिश कर रही हूं। आइए डॉक्टर जी। मोहिनी जी, डॉक्टर अब आप हमारे सवाल जवाब पर ध्यान रखिए। ये बताओ साक्षी कि भारत की राजधानी क्या है?
मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। साक्षी, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो ये डॉक्टर है ना, ये तुम्हें पागल करार कर देंगे, जो तुम नहीं चाहती, जो मैं भी नहीं चाहती। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। अब बताओ, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? भारत की राजधानी मुंबई नहीं, दिल्ली है। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल ये बताओ, तुम्हारी दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? पांच। ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? तुम्हारे दाएं हाथ में सात नहीं, पांच उंगलियां हैं। देखो कौन है। मैंने वही तो कहा था कि पांच उंगलियां हैं। नहीं साक्षी, तुमने पांच नहीं, तुमने सात कहा। डॉक्टर आती भैया, आपने पांच नहीं सात कहा है। डॉक्टर, मैंने दोनों सवालों का सही जवाब दिया ना, बताइए ना डॉक्टर। साक्षी सॉरी, तुम्हारे दोनों जवाब गलत है। तो फिर आप इनके साथ मिले हुए हैं? मैंने दोनों के साथ जवाब दिया है। साक्षी तुम पागल हो चुकी हो, बस तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। नहीं, तुम अब कभी ठीक नहीं हो। चुप हो जाइए, तुम पागल हो। साक्षी तुम पागल हो चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो, पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी, कभी ठीक नहीं हो पाओगी तुम। अजिंक्य अपनी असली मां को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा।
अब मेरे और अजिंक्य के बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। अजिंक्य सिर्फ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। लो, पिला दो इसे। शैतान का बेटा। अब मेरे और अजिंक्य के बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। ये सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा बेटा। शैतान का बेटा। नहीं, मेरा बच्चा किसी और का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हमें रोज खून से अजिंक्य की मालिश करनी, तभी इसकी हड्डियां मजबूत हों और ये राह में आने वाली हर मुश्किलों का मजबूती से सामना कर पाएगा। लेकिन मालिश रोज होनी चाहिए, फिर चाहे वो मूर्ख नेत्री और बड़े बाबा इसे कोई भी सात्विक वस्तु क्यों ना पिलाए, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शैतान का बेटा शैतान ही बनेगा। शैतान। तुम इस वक्त यहां? हाँ, वो मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने तुमसे साक्षी पर नजर रखने के लिए कहा था। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं। नितेश, साक्षी पागल खाने में पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे लोगों की नजर हर वक्त उस पर है। साकेत, चाहे जो भी उस पर नजर रखे, अगर साक्षी हमारी चंगुल से निकल गई तो मैं सजा सिर्फ तुम्हें दूंगा। अब जाओ। नितेश, वो अब जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कोई तो रास्ता बताइए, मैं इस नर्क से कैसे बाहर निकलूं? कैसे? मां, साक्षी जो है उसकी हालत बहुत खराब है माँ, उसकी मदद करो माँ, उसे उन शैतानों के चुंगल से बाहर निकालो, किसी भी हालत में उसकी मदद करो माँ। जय माँ, माँ उसकी मदद करो माँ, उसे उन शैतानों के चुंगल से बाहर निकालो माँ। नेत्री साक्षी को उन शैतानों के चुंगल से बचाने गई है माँ, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी माँ, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, बचाना होगा माँ।
चलो बेटे, चलो चलो। तुम्हें पैसे सोने के लिए नहीं मिले, उस लड़की पर नजर रखने के लिए दे गया, समझे? जी। दरवाजा खोलो। जानती कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उस दिन जब मैं उठी तो मुझे लगा जैसे मैं बहुत गहरी नींद के बाद उठी हूं, शायद चार दिन के बाद। आज संडे नहीं, थर्सडे है। संडे के दिन तो मैं पुणे गया था, तीन दिनों के बाद लौटा। मैं जानती हूं बेटी, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? साक्षी का बच्चा तो अभी तक उन शैतानों के कब्जों में है। ये चेन, सबसे पहले हमें ये चेन साक्षी के गले से उतरवाना होगा। क्यों? क्या है इस चेन में? क्योंकि जब तक तुम्हारे गले में ये चेन है साक्षी, तब तक वो शैतान तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। इसमें से तो शैतान की बू आ रही है, ये चेन तुम्हें निकालनी होगी साक्षी। लेकिन इस चेन को निकालना इतना आसान नहीं, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक चूक साक्षी की जान भी ले सकती है। लेकिन बेटी, अगर एक बार ये चेन तुम्हारे गले से निकल गई तो वो शैतान ये कभी नहीं जान पाएगा तुम कहां हो।